हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। सकट की पूजा का ब्लॉग हमने बनाया है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग पूरा वॉच करिएगा कि सकट के दिन आयुष्मान का बर्थडे भी था, तो हमने सकट पूजा भी की है और बर्थडे सेलिब्रेट भी किया है, तो आप सब लोग के साथ शेयर करेंगे। आप सभी लोग पूरा वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करना फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हमारा ब्लॉग देखिए और आनंद लीजिए। ये देखिए, हमने ढेर सारे लड्डू बनाए हैं। हमने तिल के लड्डू बनाए हैं, काले तिल के भी बनाए हैं, सफ़ेद तिल के बनाए हैं, और शकरकंद को हमने बॉईल कर लिया है। चने के लड्डू भी मैंने बनाए हैं, तो ये सब घर पे हमने बनाए थे। और हमारी पूजा भी हो रही है शाम की, तो हम सब लोगों ने, पूरे परिवार ने मिलकर पूजा की है। सभी लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने पूजा आरती पूरे परिवार के साथ की है। बच्चे भी बैठे हैं और हस्बैंड भी बैठे हैं, तो हम सब लोगों ने मिलकर एक साथ पूजा की है। हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होती है। शकरकंद जरूर लगता है हमारे यहाँ। शकरकंद बॉईल करके हम लोग पूजा पे चढ़ाते हैं। तो देखिए, गणेश भगवान की हम पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा हमारी हो रही है। बच्चे भी सब शांति से बैठे हुए हैं और कथा कहानी हम जो कहेंगे, बच्चे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। आयुष्मान भी हमारे बैठे हुए हैं, क्योंकि आयुष्मान का आज बर्थडे है। तो पूजा करने के बाद हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। इनका केक वगैरह भी हमको कटवाना है, तो इसीलिए वो बहुत खुश हैं। अच्छा उनको लग रहा है कि आज भगवान की पूजा भी हो रही है और उनका बर्थडे भी है। तो पूजा हमारी हो चुकी है, अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए, ये बच्चे आए हुए हैं, ये हमारे देवर के बच्चे हैं। तो देखिए, ये हमारी नंद हैं छोटी, तो ये अपना बैलून सजा रही हैं, और ये बिटिया बैठी हुई है, ये भी बैलून सजा रही हैं। तो ये सारे बच्चे बड़े खुश हैं और जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के बैलून लगा रहे हैं। इनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, बस ये खुश हैं कि आज हम बर्थडे मना रहे हैं, डांस करेंगे। तो उसी की खुशी में बच्चे बहुत ज़्यादा मस्त हैं और बैलून सजा रहे हैं। तो आप सभी लोग देखिए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है, खूब अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट भी किया था, और बच्चों ने बहुत इंजॉय के साथ आयुष्मान का बर्थडे मनाया है। खूब धूमधाम से इन लोगों ने बहुत डांस किया है। डांस करते करते बच्चे थक गए थे, पूरा 2 घंटे लगातार बच्चे डांस करते रहे हैं। और ये सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग केक कटने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी हम केक भी कटवा देंगे, क्योंकि रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी ही केक को कट करवा देंगे। तो ये देखिए, बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और सब ने आयुष्मान को घेर लिया है। अब हम जल्दी से केक कट करवा देते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ बच्चे ही आए थे और कोई नहीं आया था, क्योंकि हमने किसी को नहीं बुलाया है। ठंड बहुत ज़्यादा है और सिस्टर अभी पूरी तरह से सही नहीं है, अभी उनको
जो डिलीवरी हुई थी तो अभी उनका थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो इसीलिए हमने किसी को नहीं बुलाया है। सिर्फ छोटे छोटे बच्चे आए थे हमारे घर ही में, जो बच्चे थे उन्हीं को हमने बुलाया है और वही आए हैं अपना बर्थडे मना रहे हैं। और आयुष्मान का मन था कि सबको बुलाया जाए, नानी मामा लोगों को भी बुलाएं, लेकिन ठंड की वजह से, सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने किसी को नहीं बुलाया है। बस घर ही पे बर्थडे मनाया जा रहा है। किसी को ना बुलाने की वजह दूसरी भी थी फ्रेंड्स, क्योंकि इस दिन सकर चौथ भी था और सबका व्रत भी था, सबके घर में काम ज़्यादा थे, इसीलिए मैंने थोड़ा और भी ध्यान नहीं दिया था कि सभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं और सबको थकान भी हो रही होगी और हम भी थोड़ा थके हुए थे, पूरा दिन से व्रत थे, तो इसलिए मेरा भी मन नहीं था। तो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, क्योंकि सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है और बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं बच्चे। इन लोगों ने चॉकलेट भी खाई है, आयुष्मान को ढेर सारी चॉकलेट भी मिली हैं, इनके चाचू ने इनको बहुत सारी चॉकलेट दी है और इनकी दादी माँ ने इनको पैसे दिए हैं, पापा ने भी पैसे दिए हैं, इनकी बुआ ने इनको चॉकलेट दी है, तो बहुत सारी चॉकलेट इनको मिल गई हैं। चॉकलेट पा के बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, और इनको केक भी मिल गया है और इनको केक भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। आयुष्मान की ये बर्थडे पार्टी करीब 4 घंटे तक चली थी, 2 घंटे जिसमें बच्चों ने डांस किया था, 1 घंटे में बच्चों ने सजावट की थी और 1 घंटे इनका डांस हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लगा। सारे बच्चे भी खुश थे, आयुष्मान भी खुश थे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, आयुष्मान का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए आयुष्मान फटाफट पैसे लेते जा रहे हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि इनको चॉकलेट भी मिल रही है मनपसंद, और इनको केक भी बहुत पसंद है, तो इनको केक भी खिलाया जा रहा है, इनकी बुआ आ गई हैं केक खिलाने।